हूँ, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊँ। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊँ, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊँ। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे भगवन, चरणों में सिर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए भागवत महापुराण की। परम मंगलमय भागवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। कल हमने श्रवण किया था कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रः, भगवान बोले साक्षात मानो भगवान ही अपने भक्त पर कृपा करने के स्वरूप में सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो गए। परीक्षित जी पूजन करके दिव्य आसन पर सुखदेव जी को बिठाया। परीक्षित जी ने सबसे पहला प्रश्न किया, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, सिद्ध संतों के स्मरण मात्र से ही पाप समन हो जाते हैं, किम पुनरम दर्शनम स्पर्श, चरणों तक अगर मिल जाए तो क्या कहने। सबसे पहला प्रश्न किया परीक्षित जी ने, जैसे हम मरण प्रश्न बारीने ने ते प्रश्न। परीक्षित तुम्हारे प्रश्न बोले कि जैसे कोई मरणासरण हो, अगर 7 दिन में जिसको मरने का श्राप हो तो उसको क्या करना चाहिए। परीक्षित जी ने तुम्हारे प्रश्न बहुत ही उत्तम है, क्यों, क्योंकि तुमने केवल अपने लिए ही प्रश्न नहीं पूछा, अपितु प्रतो लोक हितम नृपः, कि आपने सबके हित के लिए प्रश्न पूछा, क्योंकि 7 दिन में ही सबको मरना है, 7 दिन से अलावा और कोई दिन नहीं, इसलिए प्रतो लोक हितम नृपः। लोग आप जो जैसा जाएगा, राजा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर जो भी आया है उसको 7 दिन में ही जाना। तो देखो परीक्षित, जो मृत्यु से अभय चाहते हो, जो मृत्यु से अभय चाहते हो तो सिर्फ एक काम कर लेना चाहिए। तुम मृत्यु से अगर डरते हो तो मृत्यु जिससे डरती हो उसको अपना परिचय निकाल लो। जैसे कि आप अगर मृत्यु से डरते हैं तो मृत्यु जिससे डरती है उससे अपना परिचय निकाल लो। जैसे बोले कि कोई दरोगा जी आ गए डंडा लेके डराने लग गए, बोले कि तो डर, अगर डरोगे दरोगा जी से डर रहे हैं तो उनसे जो कोई ऊपर अधिकारी है तो उनसे अपना परिचय निकाल लो, तो दरोगा जी के अंदर से जो हमारी डर है वो डर बिल्कुल भग जाएगी। इसलिए बोले कि जो अगर मृत्यु से डरना है तो मृत्यु किससे भगेगी, तो बोले मृत्युश्चरत मत भयात मौत सुरति च माधव। बोले तो अगर मृत्यु जिससे डरती, तो मृत्यु किससे डरती है, काल किससे डरेगा, महाकाल से, और मृत्यु किससे डरती है, माधव से, तो बोले कालम महाकाल कालम कृपालम, तो काल का भय दूर हो जाएगा। इसलिए परीक्षित भगवान से अगर नाता जोड़ लो तो मृत्यु का डर अपने आप आपके भीतर से समाप्त हो जाएगा। तो बोले संबंध कैसे बनाए, श्रोतव्य कृतव्य स्मरतव्य, बोले श्रोतव्य या कृतव्य या स्मरतव्य, भगवान की सुंदर सुंदर कथा का श्रवण करो जिससे उनकी महिमा का ज्ञान हो जाएगा, और जब महिमा का ज्ञान हो जाए तो तुम भी उनकी महिमा का श्रवण करो, सुनो और सुनाओ, और जब सुनने सुनाने के लिए कोई न दिखे तो स्मरतव्य, तब अगर कोई न दिख रहा है सुनने या सुनाने के लिए तो स्मरतव्य, यानी अकेले में एकांत में बैठ के भगवान का स्मरण करो।
तो एकांत में बैठकर उनका स्मरण करो, ध्यान करो। महाराज ध्यान कैसे किया जाता है? परीक्षित जी बोले, महाराज ध्यान कैसे किया जाता है? ध्यान का भी तो कोई उपाय होगा। सुखदेव जी वो कहते हैं कि सबसे पहले ध्यान करने वाले के लिए चार बातों का अभ्यास करना चाहिए। अगर ध्यान करना है भगवान का तो उसको सबसे पहले चार बातों का अभ्यास कर लेना चाहिए। बोले क्या? सबसे पहला बात बताया कि आसन को जीत लो, जितासन जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिय, कि जितासनो यानी कि एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। जैसे अगर पलथी मार करके बैठ गए तो एक ही आसन पर ही बैठे रहे, क्योंकि आसन जब हटता है तो मन का जो भंगता होती है वो भंग हो जाता है, वो मन नहीं लगता, फिर भंगता अपने आप आ जाती है। ऐसा आसन लगाओ कि एकदम सीधा, रेणु हमेशा सिद्ध हो, ताकि एक जैसे बताते हैं पद्मासन, गायत्री जी का स्मरण करने के लिए पद्मासन लगाओ तो उससे एकदम उसी पे नजर रहेगी। ये नहीं कि बुढ़े की तरह कमर झुका कर नहीं बैठना चाहिए, माला जप रहे हैं बैठ गए, तो ऐसा भी नहीं, एकदम मेरुदंड सीधा होना चाहिए तो बैठना चाहिए। और दरिद्रासन में तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। बोले दरिद्रासन कौन सा महाराज जी? बोले जो ऐसे घुटना बांध लिए ऐसे करके बैठो, दरिद्रासन। इस आसन में कभी भी बैठ करके कथा नहीं सुनना चाहिए, ये दरिद्रासन होता है, इसमें दरिद्रता आती है। फिर बोले महाराज जी, फिर बोले इसके बाद में जितश्वास, श्वास कैसे जीते जाएगा? बोले पूरक कुंभक और रेचक विधि से प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब पूरक कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब सांस को खींचना अपनी तरफ, जैसे एक बार गायत्री मंत्र का पाठ किया और सांस को खींचा। फिर उसके बाद कुंभक, अगर एक बार पाठ करके खींचा है गायत्री मंत्र का, कम से कम चार बार पाठ करके उसको रोकना चाहिए सांस को। फिर उसके बाद एक बार दो बार पाठ करके उसको छोड़ना चाहिए। होता है रेचक विधि से प्राणायाम करना चाहिए, आत्मबल मिलता है, जिससे आत्मबल मिलता है, संयम होता है। प्राणायामम परमम बलह। तीसरी बात बताई संसार से असख्य अनासंख्य। जैसे संसार के असख्य के जितने लोग बैठेंगे तो 10 लोग बैठेंगे तो 10 तरह की बात होगी, तो उसमें भगवत भजन नहीं होगा, इसलिए एकांत जगह बताई। और चौथी बात बताई जितेंद्रिय की बात बताई, इंद्रियों को अपने बस में रखो, ये चार बातों का अभ्यास करो तब जाकर ध्यान लगेगा। ध्यान दो प्रकार का बताया, स्थूल और सूक्ष्म। अपने भीतर जो ध्यान करता है अकेले में बैठ के उसको कहा जाता है सूक्ष्म ध्यान, और बाहर प्रकृति में जो हर जगह जो परमात्मा को देखता है उसको कहा जाता है स्थूल ध्यान। परमात्मा का ध्यान करना स्थूल ध्यान, और पूरा ब्रह्म परमात्मा का ही विराट स्वरूप है। जितनी भी हरी भरी हरियाली दिख रही है भगवान की रोमावली है, जिसे हमारी शरीर को रोम होते हुए ऐसे भगवान के शरीर में भी जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सब भगवान की हड्डियां हैं, ये जितनी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, और इसी प्रकार सर्वस्व संसार भगवान विराट स्वरूप को देख करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणा, कि सब में सिया राम में सब जग जानी, कि सब में हमारे अंदर वही दिखे कि सिया राम में सब जग जगन्नाथ का ही चाहिए, जो सिया राम में सब सारे जगत में जगन्नाथ का ही दर्शन करे। किस कामना से किस देवता की पूजा करना चाहिए, ये भी तो आजकल बड़ी विडंबना, महाराज जी हमको पुत्र चाहिए तो हम किसकी कामना करें। बोले कि किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए, महाराज बोले अन्न की कामना हो तो देव माता अदिति की उपासना करो, रूप और सुंदरता बढ़ाना हो तो गंधर्वों की उपासना करो, अगर विद्वान बनना चाहते हो तो बाबा भोलेनाथ की पूजा करो। बाबा भोलेनाथ विद्वान बनाते हैं, विद्या प्रदान करने वाले हैं, विद्या कामस गिरीशम। अगर पति पत्नी में हमेशा झगड़ा हो जाता है, जैसे कभी वो मुंह फुला उधर बैठे हो, बोले इसके लिए क्या करना चाहिए हमारा, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखी हो, तो बोले कुछ नहीं चाहते हो तो माता पार्वती का अर्चना करो, और बोले अगर कुछ नहीं चाहते हो तो फिर बंसी वाले की उपासना करो। बोले क्यों, बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलेगा क्या? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वृक्ष के पत्तों को सींचना, डाली को सींचना या फल को सींचना, ये सब अगर शाखाओं को सींचना, फल फूल को सींचना, सब छोड़कर केवल उसके जड़ में पानी डाल दो तो सबको पानी मिल जाएगा। यथा तरोक्तम निश्चिन्न तृप्तति तप्यम बुभोज्य शाखा। वृक्ष की जड़ में पानी देने से तनय शाखा जैसे हरी भरी हो जाती है, जैसे सबको जल मिल जाता है, ऐसे ही मूल में भगवान श्री हरि नारायण उनकी पूजा कर लो तो सारे देवी देवता की पूजा हो जाती है, मनोरथ भी सब सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा प्रभु तो बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? बोले प्रभु जब इस संसार को इन्होंने वर्णन कैसे किया, संसार कैसे बना? तब सुखदेव जी को याद आई कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण नहीं किया, तब बोले तपास्विनो दान पराय शिशिन्नो मनुष्यनो मंत्र यदा शुभंगम क्षेमं न बिंद्यन्ते विना न दर्पणं तस्मै सुभद्राशे नमो नमः।
बोलिए सुखदेव जी कहते हैं कि कोई कितना बड़ा तपस्वी यशस्वी क्यों ना हो, महादानी मानी हो, पर जब तक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण नहीं करेगा तब तक कल्याण नहीं हो सकता, चाहे कितने बड़े साधक बने रहो। क्षेमम न विंदन्ति विनाय दर्पणम, ऐसे प्रभु के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सुभद्र सबसे, सुभद्र सबसे का मतलब होता है जिसका यश मंगलकारी हो, जिसका श्रवण करते ही श्रोता का मंगल कारण हो जाए, ऐसे भगवान को सुभद्र सबसे मंगलम भगवान विष्णु, जैसे मंगल भगवान की मूर्ति है इसलिए उनका सब काम मंगल है। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहुषु दशरथ यजरवि, भगवान का स्मरण करते सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जो प्रश्न आपने हमसे पूछा है, प्रश्न नारद जी ने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से भी पूछा था। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे, नारद जी ने आकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी का जब ध्यान भंग हुआ तब नारद जी ने पूछा, पिताजी सारा संसार आप बनाते हैं तो आप किसके ध्यान में मग्न हैं? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मया दुर्जया माम ब्रुवंत जगत गुरुम, मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिनके माया से मोहित हुए प्राणी मुझको ही पर जगत गुरु समझने लगते हैं। भगवान ही जगत गुरु हैं, कृष्णम बंदे जगत गुरुम। कि ब्रह्म जी बोले, सुनो पुत्र नारद, हम संसार कैसे बनाते हैं वो एक बार समझ लो। प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था, पुरुष लय और साम्यावस्था में सृजन होता है। पुरुष ने जब प्रकृति को देखा तो उसे क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस क्षोभ के द्वारा महातत्व की उत्पत्ति हुई। महातत्व से त्रिविध अहंकार सत्य रज तम पैदा हुए। तमोगुण के द्वारा पंच महाभूत और पंच महातन पैदा हुई, जिसके पंच महाभूत कौन है? बोले कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। और तन मात्राएं कौन है? बोले शब्द स्पर्श रूप और गंध, ये सब तमोगुण की सृष्टि है। रजोगुण के द्वारा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई और सत्य गुण के द्वारा इंद्रियों की अधिष्ठात्री की उत्पत्ति हुई। प्रत्येक इंद्री का कोई ना कोई देवता होता है, जैसे आँख है, आँख का देव इसको क्या है? चक्षु। चक्षु इंद्री है, इसका विषय क्या है? रूप। आँख क्या करती है? देखती है, गोरा पीला हरा काला लाल पीला यही सब तो देखती है। बोले काला, परंतु इनके देवता कौन है? बोले इनके देवता सूर्य हैं। जैसे नेत्र के चक्षु के देवता सूर्य हैं, अगर अंधेरा है चाहे सामने कोई चीज पड़ा है अंधेरे में तो दिखेगा नहीं, जब तक सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी तो इसलिए नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हर चक्षु के जैसे नेत्र इसके सूर्य जी हैं, इसी तरह से हर इंद्रियों के कोई ना कोई देवता है। भगवान श्री हरे अपने नाभि से कमल प्रकट किया और कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट हुआ। ब्रह्मा जी ने जब नाभि से निकले तो चारों तरफ उन्होंने दृष्टि देखा कि कोई दिख तो नहीं रहा, वो चतुरानन हो गए। भगवान देखे चारों तरफ देख रहे तो चतुरानन हो गए। फिर उसके बाद देखे कोई नहीं दिख रहा, तो फिर जिस कमल से वो प्रकट थे उसी कमल के अंदर जाकर के देखने लगे कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। उनको एक ही सवाल आया मन में, को हम, कि मैं कौन हूँ और मैं आया कहाँ से हूँ। उनके कान में दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प। बोले तप, यानी कि तप करो। तब ब्रह्मा जी आराम से तप में बैठ गए। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, तब भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया और श्लोक से दिव्य ज्ञान दिया। इसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में भी हम थे और कुछ न था, इसलिए जो भी देख रहे हो वो भी हम ही हैं। हरि देव जगतम जगदेव हरि, हरि ही जगत के स्वरूप है और जगत पूरा हरि का स्वरूप है। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं तो अलग अलग नाम बन गया, जैसे अंगूठी होगी तो अंगूठी बन गया, मंगलसूत्र बन गया, हार बन गया, लेकिन पूछे सोना कहाँ है, बोले तो सब सोना ही है लेकिन नाम अलग अलग हो गया। तो ऐसे हर प्राणी का अलग अलग नाम देते गए, ये मनुष्य हो गया, वो पशु हो गया, लेकिन हर जगह भगवान का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हर अंश में ईश्वर ही है। इसलिए बोले कि इनका नाम है दुनिया, सियाराम में सब जगह सर्ग मानव सृष्टि। सबसे पहले विदुर जी का चरित्र सुनाते थे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के समय महाभारत युद्ध होने के निश्चय पर पहुंच गया, तब भगवान स्वरूप एक बार दुर्योधन को समझाने के लिए शांति दूत बनकर आए। विदुर जी को पता चला, धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आए, महाराज एक निवेदन सुन लो हमारा, द्वारकानाथ स्वयं शांति का संदेश लेकर आए हैं, उनकी आज्ञा का आप सब पालन करें तो भयंकर युद्ध टल सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुझे नहीं, तुम दुर्योधन को जाकर के समझाओ, वो मान जाए तो बात बन जाएगी। विदुर जी ने कहा, देखो महाराज आप राजा हैं, निर्णय आपको लेना है। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन तुम्हारा कितना प्यारा क्यों ना हो, पर मेरा निवेदन सुन ले महाराज, जैसे शरीर का प्रत्येक अंग हमें बड़ा प्यारा लगता है, उसी तरह से अगर अंग में कोई भी बीमारी हो जाए और अगर डॉक्टर बोल दे कि इसको काट दो तो बच जाओगे, नहीं तो ये पूरे शरीर में विस्मय हो जाएगा, तो चाहे कितना भी प्यारा अंग हो तो उसको काटना पड़ता है।
तो इसीलिए बोले कि अगर आप अपने पूरे वंश की अगर भलाई चाहते हो तो दुर्योधन को घर से निकाल दो। तो इसीलिए भले ही दुर्योधन आपका बड़ा बेटा है, सृष्टि की रक्षा के लिए उसका परित्याग कर दीजिए, नहीं तो आपका पूरा वंश महासंकट में पड़ जाएगा। परंतु धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आया, और जब दुर्योधन ने यह बात सुनी तो वह आग बबूला हो गया, एकदम चिल्लाते हुए बोला, हे दासी पुत्र विदुर, किसके बुलाए से तुम यहाँ पर आए हो और सलाह देने के लिए हमको हमारे घर से ही निकलवाना चाहते हो? कौन मंत्रो मजिबादसुता फलवैत्र दुष्टा, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला यह दासी पुत्र हमको बाहर निकलवाना चाहता है। ऐसे अपशब्द दुर्योधन ने कहे और विदुर जी धृतराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं। वो तो अंधे थे, लेकिन अंधे थे बहरे तो नहीं थे, कि अगर आप पिता हैं, पिता के सामने अगर कोई महात्मा बैठे हैं और आपका बच्चा अगर उनसे कड़वा शब्द में बोलने लगे तो आप जरूर डांटेंगे उसको। जब नहीं डांटेंगे तो फिर महात्मा जी अपने आप उठ के चले जाएंगे, कि जब जहाँ का अगर राजा ही भ्रष्ट हो जाए तो प्रजा तो वहाँ की अपने आप भ्रष्ट हो जाती है। तो अंधे थे पर बहरे नहीं थे, उनको सुनाई पड़ रहा था कि मेरा बेटा क्या बोल रहा है। परंतु जब धृतराष्ट्र मौन रहे, कुछ नहीं बोले, तब विदुर जी समझ गए अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जब राष्ट्र अध्यक्ष ही अंधा हो और बहरा मान जाए तो फिर दुशासन ही परखते हैं, विदुर जी नहीं। परंतु दुर्योधन से बोले, तुम हमको क्या निकालोगे, हम तुम्हारे राज्य को छोड़कर खुद ही जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, विदुर जी नहीं गए, उनके यहाँ से धर्म चला गया। क्योंकि बोलते पांचों पांडव में जो युधिष्ठिर थे वो धर्म के स्वरूप थे, और कौरवों में जो विदुर जी थे ये धर्म का स्वरूप थे। जब इन्हों को महाभारत में इन्होंने जब उनको अपशब्द बोला तो इन्होंने उनका घर त्याग करके चल दिए। तीर्थाटन करते करते अचानक जमुना जी के किनारे पर विदुर जी को उद्धव जी जाते हुए दिखाई दिए, तो दोनों के भेंट हुई। कुशल क्षेम पूछा विदुर जी ने उद्धव के द्वारा, द्वारकानाथ कहाँ और युद्ध का क्या हुआ? बोले, आपको युद्ध का कुछ पता नहीं है, उद्धव तुम कहाँ जा रहे? उद्धव तुम भी तो वहीं बद्रीनाथ जा रहे। क्यों? बोले, प्रभु की यही इच्छा है। प्रभु बोले, मेरे जाने के बाद घोर कलयुग आ जाएगा, इसलिए तुम बद्रीनाथ चले जाना और जो उपदेश मुझे देकर गए हैं उसके सहारे मैं जीवित हूँ। कौन सा उपदेश दिया भैया, हमको भी सुना दो। उद्धव जी बोले, हम नहीं सुना सकते पर उपाय बता सकते हैं। क्या? बोले, आप हरिद्वार जाओ, मैत्रेय मुनि मिलेंगे जो आपको सुनाएंगे, क्योंकि वह भी मेरे साथ बैठकर वह उपदेश सुना था। बस विदुर जी उद्धव जी को विदा लेकर सीधा हरिद्वार मैत्रेय मुनि जी के पत्र पहुंचे। सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों से कहा, बच्चों तुम सृष्टि, इनको सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चार लोगों को उत्पन्न किया। बोले, आप सृष्टि की रचना करो। इन चारों ने हाथ उठा दिया, बोले, भैया हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते, हम तो अपना असंख्य जीवन जीना चाहते हैं, सृष्टि करो। तो उन्होंने हाथ उठा दिया। फिर ब्रह्मा जी को इस बात पर बड़ा क्रोध आ गया, उनके क्रोध से एक बालक उनकी भ्रिकुटी से उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा। रोता हुआ ब्रह्मा जी से बोला, तुम्हारा नाम है रुद्र और काम तुम्हारा एक ही है। बोले, सृष्टि का विस्तार करो, कर लोगे? भगवान रुद्र बोले, बिल्कुल करेंगे। बोले, तो ठीक है करो। उन्होंने तमाम पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत पैदा कर दिए। बोले, अरे बस बस बस, रहने दीजिए, हो गई सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी बोले, बस बस महाराज, हो गई सृष्टि, इतनी खतरनाक सृष्टि हमको नहीं चाहिए, बस भजन करो आप। अब की बार ब्रह्मा जी ने इस सदस्यों को प्रकट किया। मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह भृगु कृतु दस देवर्षि नारद, बाणी से सरस्वती और छाया से करदम जी के साथ सृष्टि करके श्री ब्रह्मा, अब की बार ब्रह्मा जी बाएं अंग से कन्या और दाएं अंग से पुरुष की उत्पत्ति की, उनका नाम हो गया मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी बोले, अब तुम दोनों मैथुन सृष्टि करो, इसलिए हम लोग मनुष्य के संतान हैं, इसलिए हमको मनुष्य कहा जाता है। मनु महाराज के पास पांच संतान हुई, तीन बेटी और दो बेटा, प्रियव्रत और उत्तानपाल। बेटी हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। एक दिन मनु महाराज ब्रह्मा जी से बोले, महाराज बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या हुआ? बोले, हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को उठाकर ले गया है। विदुर जी ने पूछा, ये हिरण्याक्ष कौन था? मैत्री जी बोले, सुन महामुनि, कश्यप जी के अनेक पत्नियों में से उनमें के एक दैत्यों की माता दिति थी, जिसके दो पुत्र हुए थे, अधारम मधुरम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः। बोले, उसके असुर क्यों हो गए? बोले कि जो संध्या का समय होता है उसमें चार क्रिया करने के लिए महाराज जी माना करते हैं, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च विशेषतः। बोलिए कि जो सायंकाल का समय होता है, जब सूर्य भगवान डूबने को आते हैं, तो उस समय चार काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आती है। मैथुन अगर किया जाए तो उससे राक्षसी प्रवृत्ति के पुत्र पैदा होते हैं। निद्रा नहीं करना चाहिए, निद्रा सोना नहीं चाहिए। स्वाध्यायम च विशेषतः, जो पढ़ा हुआ है उसका स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो अंदर के रहता है वो सब विस्मय हो जाता है, विस्मय ज्ञानी सब भूल जाता है। महावीर ने जलवृक्ष के दर्शन किया,
बोले कि तो महाराज हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की ये कौन थे? बोले ये जब दोनों पैदा हुए, जब राक्षसी प्रवृत्ति के हुए, तो इन्होंने सोचा कि अब हमसे लड़ने के लिए कोई होना चाहिए। बहुत बलशाली थे। बोले कि हमको लड़ने के लिए कौन आया? जब कोई नहीं मिला तो इन्होंने पृथ्वी उठा लिया, पृथ्वी लेकर के चले गए मलमूत्र की जगह पे। यहाँ पे कोई आए तो भगवान बोले कि अब सृष्टि की रचना कैसे हो? जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो सृष्टि की रचना कैसे की जाए? भगवान विष्णु का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने, और उनको एक छींक आई जिससे वराह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह भगवान का प्रागट्य हुआ, वराह भगवान